गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में जो पहले 6 क्वेश्चन थे वो हम पढ़ चुके हैं, आज 7 पढ़ रहे हैं। 7 क्वेश्चन ज्योमेट्रिक बेस है। हमने क्या किया, एक शेप बनाई, एंगल्स है इसके ऊपर सारे, इंटीरियर एंगल है और बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालना था मुझे एक्स, तो मैंने लिखा 180 - 90। एक लाइन पे भी कोई भी एंगल बनता है वो 180 से 90 सबट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट बच जाएगा तो ये सबट्रैक्ट किया 90 आया वैसे हमने जेड एंगल निकाला अब हमारे पास अंदर वाला एंगल निकालना था तो उसके लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल किया वो पी मान लिया क्या माना वो पी मान लिया जैसे ही पी माना तो 180 से माइनस किया 60 आ गए वैसे पी की वैल्यू आई 60 तो वाई निकालना दोबारा ऊपर वाली तरफ वाई 120 है इन सब एंगल्स का सम कर दिया। तो हमारे पास अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के लिए हम अब डायग्राम बनाएंगे। हमने अब जो क्वेश्चन नंबर 7 का भी पार्ट था उसके लिए डायग्राम बना ली, एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है मुझे। तो मैंने पहले दोबारा से एक्सटीरियर एंगल ये राइट किया, हमने एक्स की वैल्यू निकाली 120 माइनस किया 60 आया, वाई की निकाली 20 माइनस किया 100, जेड निकाला 60 है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स करेंगे दोबारा से, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, इसको मैंने क्यू मान लो, आर मान लो, लिखा क्यू प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120। तो जब भी हम चार एंगल्स का सम करते हैं, चार एंगल्स का सम बराबर आता है 360 के बराबर, 360 वो हमने फॉर्मूला से निकाला। फॉर्मूला कौन सा था, एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180, तो फोर साइड्स हैं 2 × 180 2 × 180 360। हमने साइड वाला निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, उससे ये निकला। अब हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 200, क्यू प्लस 260 वाला, ये क्यू इक्वल्स टू 360 माइनस 260 दैट इज इक्वल्स टू 100 बचता है। क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। क्यू की वैल्यू 100 आई तो मैं डब्ल्यू की निकाल सकता हूँ, डब्ल्यू की आएगी तो 180 माइनस 100 80 डिग्री, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री। अब मुझे सम करना है सबका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सबका सम करूंगा, सारे के सारे एंगल आ चुके हैं मेरे पास 60 100 120 80। सम देख लेते हैं, 80 प्लस 200 हो गया 300 और 360 आ गया, ऐसे किया 200 100 ऐड किया 300 और 60 तो 360 इज द आंसर। हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म होगी। थैंक यू।